गाइस स्वागत है आपका और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि काइन मास्टर में हम अलग से फ़ॉन्ट कैसे डाल सकते हैं, हमारे जो हम जो डाउनलोड करते हैं अलग से फ़ॉन्ट उसको ऐड कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन हो गया, उसके बाद हमको सिंपली एक नया प्रोजेक्ट बनाना है दोस्तों। आप बना सकते हो, मैं आप कर सकते हो, बताने के लिए मैं आपको यहाँ एक प्रोजेक्ट बना के बता रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। और आप इसी तरह स्टेप फॉलो करके आप अपने जो फॉन्ट है उनको काइन मास्टर में ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों। हम यहाँ कुछ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ एक टेक्स्ट लिखा, अब यहाँ पे वाइट दिख रहा है, इसका कलर पहले हम ब्लैक कर देते हैं। अब हमको ये पूरी तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद में आप यहाँ ये फॉन्ट है, इसके फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ काइन मास्टर ऐप है उसके द्वारा दिया जाता है। ये इतने सारे ऐप्स हैं एंड्रॉयड के, और लेटिन पेज में बहुत सारे जो बहुत सारे फॉन्ट है जो उनको आप देख सकते हो। आप ये तो रही काइन मास्टर की बात, आप मैंने कहा था अलग से इनके अलावा और फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करोगे। तो दोस्तों आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले में जो आपका नाम है उसको टच करना है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, ये प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट आपकी फाइल मैनेजर में भेज देगा। यहाँ पर आप जहाँ भी फॉन्ट रखे होंगे वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। जैसे मैं डाउनलोड फोल्डर में रखा हूँ, डाउनलोड फोल्डर में दोस्तों यहाँ पे मैं इस फोल्डर में रखा हूँ। ये तीन फॉन्ट है, इसको मैंने एक फॉन्ट को ले लिया और यहाँ पे बता रहा है कि कंप्लीट यू कैन फाइंड दिस इंस्टॉलेड फॉन्ट। अब इसको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक नया फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया। इसको आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको और एक बता देता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाना है, फ़ॉन्ट पे जाने के बाद प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ॉन्ट चूज़ करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपका जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपको उसको किसी भी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट से है, मैं इनकी जिप फाइल आपको एक मेरे टेलीग्राम चैनल है, इन फ़ॉन्ट की जिप फाइल मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और फॉन्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद आप इस वीडियो की मदद से अपने काइन मास्टर में फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले में मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।